योगी आदित्यनाथ द्वारा दो सरकारी गौशालाओं का निर्माण कराया गया, जहां करोड़ों की लागत से जैन गौशाला तैयार की गई है। गौशाला बनाते समय बताया गया था कि आवारा घूम रही गाय के लिए बनाई गई, जिसके चलते कोई भी किसान और स्थानीय नागरिक आवारा पशुओं से छुटकारा पा सके, जिससे रोड पर कोई भी आवारा पशु नजर नहीं आए। अब देखो कितने बोला आवाज कितनी लग जाए, क्या परेशानी है, क्या क्या परेशानी होती है यहाँ? परेशानी बाबूजी से कूद रहे हैं आपस में, एकदम बदबैली करते हैं और क्या करते हैं। और यहाँ पे यात्रियों को भी कोई नुकसान होता है क्या? यात्री से आवाज चढ़ रहे थे तो आवाज काम में दे लेंगे, इनकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते होंगे। मथुरा के गोवर्धन इलाके में आवारा पशुओं का आतंक इसी प्रकार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते किसान और स्थानीय नागरिक बहुत परेशान नजर आ रही हैं। इसी क्रम में परिक्रमा मार्ग पर स्थानीय नागरिक गायों के झुंड को भगाते हुए नजर आ रही हैं, जिसे देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार इस ओर कोई कदम उठाती है या नहीं, या फिर ये बेजुबान जानवर यूं ही अपने पेट भरने के लिए डंडे खाते रहेंगे।